बिहार में भी एनडीए ने बहुत हासिल की और मुख्य विपक्षी दल राजद को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में करारी हार के बाद अब राजद के अंदर भी बवाल मचना शुरू हो गया है। राजनीतिक गर्मागर्मी भी राजद के अंदर अब काफी बढ़ गई है। अब इस हार के बाद राजद के वफादारों और लालू यादव के समर्थकों ने राजद के दिल्ली मंडली के खिलाफ विरोध लगाना शुरू कर दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले तेजस्वी के आवास पर पहुंचे राजद के पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी को नसीहत दी थी कि वे अब बाहरी यानी दिल्ली के नेताओं से सलाह लेने के बजाय पार्टी के जमीनी स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तरजीह देकर उनकी सलाहों को माने। कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी से कहा कि केवल आंकड़ों के सहारे राजनीति करने वाली मनोज झा की टीम के बजाय सालों से राजद के वफादार रहने वाले नेताओं को मौका मिलना चाहिए। वफादार नेताओं को रणनीति बनाने का मौका मिले तो 2020 विधानसभा चुनाव में आकर कहीं ना कहीं आरजेडी मजबूत होगी, लेकिन जिस तरह से अभी सब कुछ चल रहा है उसमें आरजेडी के कमजोर होने के चांसेस ज्यादा हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि आज की राजनीति सिर्फ पिछड़ा बनाम अगड़ा नहीं है, बल्कि उन्हें पिछड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति पर भी ध्यान देना होगा। इन सब बातों को देखकर यही लग रहा है कि पार्टी के अंदर अब दिल्ली बेस्ड नेताओं का विरोध शुरू हो गया है और लोकसभा चुनाव में हारे उम्मीदवारों का मानना है कि पिछड़ा आरक्षण पर विशेष जोर देने की कीमत पार्टी को चुकानी पड़ी है। आपको बता दें कि शायद कार्यकर्ताओं की इन्हीं सलाहों का असर है कि तेजस्वी ने 28 मई को पार्टी के विधायकों और उम्मीदवारों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में समीक्षा की जाएगी कि आखिर ये हार हुई कैसे, जब इतनी अच्छी तरीके से 2015 में जनता ने आरजेडी को समर्थन दिया था तो 2019 में आखिर परिस्थितियां क्या बदल गई? क्या लालू यादव के जेल जाने की वजह से ऐसा हुआ? क्या पिछड़ा समर्थन करने की वजह से ऐसा हुआ? क्या सवर्ण आरक्षण पर पार्टी का स्टैंड की वजह से घाटा हुआ या फिर कांग्रेस के साथ साथ अन्य गठबंधनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने की वजह से घाटा हुआ? जो भी हो, समीक्षा होगा, मगर कहीं ना कहीं इस समीक्षा के पहले ही पार्टी में जबरदस्त बवाल शुरू हो गया है। पार्टी के कई नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ और उनकी नेतृत्व क्षमता के खिलाफ जमकर आवाज उठाने लगे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें इस्तीफा दिलाने की बात भी होने लगी है। अब जो होगा सब कुछ आपके सामने होगा। बहुत जल्दी आरजेडी एक नए कैलेवर में दिखेगी या फिर आरजेडी टूट के कगार पर तो पहुंच ही चुकी है। बहुत जल्दी अगर सब कुछ ठीक नहीं होता है तो आरजेडी महागठबंधन में सबसे छोटी पार्टी बनकर भी रह जाएगी। बरही न्यूज बिहार पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।